संतोष नगर पुलिस की जानिब से कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम सरला देवी नगर में किया गया। इस प्रोग्राम में रॉडी शीटर्स, गांजा और वाइटनर पीने वालों को भी काउंसलिंग दी गई और जो व्हीकल्स वायलेशन कर रहे थे और जिसकी गाड़ी के पेपर्स नहीं थे उन गाड़ियों को भी सीज्ड किया गया, जिसमें 26 टू व्हीलर्स हैं और एक ऑटो भी है। और सरला देवी नगर एरिया में सीसीटीवी भी नहीं है, इसीलिए आवाम ने डीसीपी गजौराव भोपाल से गुजारिश की कि उन्हें हमारे एरिया में सीसीटीवी भी चाहिए। इस मौके पर डीसीपी साउथ जोन गजौराव भोपाल, संतोष नगर एसीपी शिवाराम शर्मा, संतोष नगर इंस्पेक्टर वामशी कृष्णा, एडिशनल इंस्पेक्टर रवि कंचन बाग, एसएचओ वेंकट रेड्डी, संतोष नगर एसआई नारसिंह राव, संतोष नगर एसआई पापैया, संतोष नगर एसआई राजेंद्रकर, कंचनबाग रामन्ना के अलावा पुलिस के दिगर अहदेदारान भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी गजराव भोपाल ने पूरी तफसीलात बताई, आइए देखते हैं। संतोष नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स सरला देवी नगर एरिया में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम किया गया। इसमें एक मकसद है कि यहाँ की आवाम से मिलकर बात करना, उनकी प्रॉब्लम्स को जानना और जहाँ तक हम कर सकते हैं उसका हल निकालना। इसके अलावा यहाँ के रोडी शीटर्स और सस्पेक्ट्स को भी काउंसिल करना, यहाँ पे जो वायलेशंस होते हैं स्पेशली व्हीकल वायलेशंस, उनको व्हीकल्स को सीज करना। इसमें आज 26 टू व्हीलर सीज किए गए और एक ऑटो भी सीज किया गया। और यहाँ का लोगों का इशू, मेन इशू की वो इस एरिया में सीसीटीवी कैमरास की कमी है, वो लोग यहाँ इंस्टॉल करने के लिए रिक्वेस्ट किए। डेफिनेटली ज़रूर हम इस पर फोकस करेंगे और जल्दी से जल्दी यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे जो गांजा और वाइटनर्स की जो प्रॉब्लम है उनको, उन पर भी नज़र डालें। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का जो मकसद है कि तेलंगाना को गांजा फ्री स्टेट बनाना, इसमें हम अभी तक अच्छी काम किए और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल में भी आ गया। थैंक यू। बड़ी स्टडी।